हेलो दोस्तों, आपका SSB क्लास में स्वागत है। अभी तक हमने अपना टेंस की सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया है। आज हम अपनी नई सीरीज़ चालू कर रहे हैं मूड की। ठीक है, मूड का मतलब क्या होता है? जो हमने आपने देखा होगा, मूड का मतलब क्या होता है? ये दिखाता है इंटेंशन ऑफ द स्पीकर। क्या दिखाता है? ये इंटेंशन ऑफ द स्पीकर। ठीक है, ये स्पीकर की जो है इंटेंशन दिखाता है। ठीक है, इंटेंशंस ऑफ द स्पीकर। ठीक है, ये इंटेंशन दिखाता है किसकी? स्पीकर की इंटेंशन को दिखाता है। ठीक है, अब ये जो मूड होता है, ये हमारे वैसे तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। अब क्या 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 हो रहा है? ये तीन प्रकार के तो हो रहे हैं। पहले ये देखिए, मूड है क्या? हमने पढ़ा टेंस, पढ़ा। ठीक है, टेंस पढ़ लिया था हमने। टेंस में हमने क्या पढ़ा था? वर्ब की फॉर्म ही तो होती है ये हमारी। क्या होती है हमारी? वर्ब की फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फॉर्म ही तो होती है। वर्ब की फॉर्म में हमने टेंस पढ़ा था, नंबर वन। ठीक है, टेंस में हमने वर्ब की फॉर्म से क्या जाना था? हमने टेंस में वर्ब की फॉर्म से जाना था टाइम। क्या जाना था टेंस में वर्ब की फॉर्म से? हमने जाना था टाइम। ठीक है, अब आया हमारा मूड। क्या पढ़ रहे हैं हम इसमें? मूड पढ़ रहे हैं। यहां भी हम वर्ब की फॉर्म ही पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे हम इंटेंशन ऑफ द स्पीकर। ठीक है, इंटेंशन ऑफ द स्पीकर। ठीक है, उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं? उसके बाद में हम देखेंगे, उसके बाद में हम क्या पढ़ रहे हैं? और वर्ब कहां पे पढ़ते हैं? वर्ब की फॉर्म। उसके बाद पढ़ते हैं वर्ब की फॉर्म एक्टिव और पैसिव में। किसमें पढ़ेंगे हम? एक्टिव और पैसिव में। इसमें वर्ब की फॉर्म से हम क्या जानेंगे? इसमें जानेंगे हमारा जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है वो हमारा डूअर है या वो हमारा रिसीवर है। ठीक है, बात समझ में आई। हम वर्ब की फॉर्म ही पढ़ रहे होते हैं। वर्ब की फॉर्म में हमने टेंस में क्या पढ़ा? जो हमने टेंस पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था टाइम। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने? टाइम पढ़ा था। वर्ब की फॉर्म अगर अलग अलग टाइम के हिसाब से आती है तो वो अलग अलग टेंस में यूज होती है। ठीक है, अब जो पढ़ेंगे हम वो मूड पढ़ेंगे। मूड में क्या पढ़ेंगे हम? इंटेंशन ऑफ द स्पीकर, मतलब स्पीकर क्या भावना कहना चाह रहा है, स्पीकर का क्या जो भाव है वो है। ठीक है, इंटेंशन मतलब जो उसका जो भाव है वो बताया जाएगा। ठीक है, उसकी जो इच्छा है वो बताई जाएगी। ठीक है, एक्टिव पैसिव में क्या पढ़ा था हमने? कि सब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट जो हमारा वो डूअर है या रिसीवर है, वो किससे पहचानते हैं? हम वर्ब से पहचानते हैं। अगर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो हमारा क्या होगा? पैसिव होगा, रिसीवर होगा मतलब, और डोर होगा तो नॉर्मल हमारा सेंटेंस होगा। ठीक है, अब उसके बाद में अब हम मूड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो हमारा मूड होता है ये कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, हमने बोला मूड हमारे तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के, नंबर वन, नंबर टू और नंबर थ्री। ठीक है, नंबर वन क्या होता है हमारा? नंबर वन होता है हमारा इंडिकेटिव मूड। कौन सा होता है हमारा? इंडिकेटिव मूड होता है। अभी इंडिकेटिव मूड क्या होता है? जो आपने नॉर्मल टेंस पढ़े हैं ना, बिल्कुल वही जो होते हैं हमारे, वो इंडिकेटिव मूड वही होते हैं हमारे। टेंस जो होते हैं ना, वही हमारे की तरह से मूड होते हैं, इंडिकेटिव मूड। ठीक है, दूसरा क्या होता है हमारा? दूसरा होता है हमारा इंपेरेटिव मूड। कौन सा होता है हमारा दूसरा? इंपेरेटिव मूड। ठीक है, बात समझ में आई। इंडिकेटिव मूड और इंपेरेटिव मूड के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो तीसरा होता है वो क्या होता है हमारा? सब्जंक्टिव मूड होता है। कौन सा होता है हमारा? सब्जंक्टिव मूड होता है। ठीक है, अब हम ये तीन तो पढ़ी हुई है। हमने क्या बोला? जो मूड होता है वो क्या होता है? वो इंटेंशन ऑफ द स्पीकर होती है। वर्ब की फॉर्म में हम अलग अलग चीजों को दिखा सकते हैं। अगर हम टाइम दिखा रहे होते हैं तो हमारा टेंस होता है। इंटेंशन ऑफ द स्पीकर दिखा रहे होते हैं मतलब स्पीकर की चाह दिखा रहे होते हैं तो मूड होता है। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट में डूअर या रिसीवर दिखा रहे होते हैं तो हमारा क्या होता है? एक्टिव या पैसिव होता है। ठीक है, अब एक चीज और यहां से निकल के आती है। क्या निकल के आती है? क्या इंटेंशन जो है स्पीकर की, जो चाह है, जो स्पीकर चाहता है, ठीक है, जो इंटेंशन स्पीकर की, क्या और किससे दिखा सकते हैं? हमने बोला बिल्कुल दिखा सकते हैं। क्या दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं। तो हमने बोला इंटेंशन हमारी स्पीकर की कैसे कैसे दिखा सकते हैं? इसके भी दो तरीके होते हैं। क्या होते हैं? इसके भी दो तरीके होते हैं। एक तो हो गया हमारा मूड। क्या हो गया? एक हमारा मूड जो इंटेंशन दिखा रहा होता है किसकी? स्पीकर की। दूसरा क्या होता है हमारा? मोडाल होता है। क्या होता है दूसरा हमारा? मोडाल होता है। ठीक है, जो हमारा पहला क्या हो गया? मूड हो गया। दूसरा हो गया हमारा मोडाल हो गया। अब मूड और मोडाल में अंतर क्या है? ठीक है, मूड तो हम पढ़ी रहे हैं। ठीक है, मोडाल हम कहां पढ़ेंगे? जब हम पढ़ेंगे वर्ब। हमने वैसे थोड़े बहुत मोडाल हमने टेंस में पढ़ रखे हैं, लेकिन मेन मोडाल कहां पढ़ेंगे? जब पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे? टेंस। ठीक है, वो वर्ब। ठीक है, और मोडाल का मतलब क्या होता है? मोडाल हमारी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है हमेशा। मोडाल क्या होती है हमारी? हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती है। तो मतलब मोडाल जब हम इंटेंशन, किस इंटेंशन को दिखा रहे होंगे? किससे? मोडाल से। हमने क्या बोला? जब हम इंटेंशन को दिखा रहे होंगे मोडाल से तो क्या आएगा? पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब मतलब मोडाल ही आएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा? हमारा मेन वर्ब आएगी। बात समझ में आई? जब हम इंटेंशन ऑफ द स्पीकर दिखा रहे होंगे मोडाल से तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी। लेकिन अगर उसी इंटेंशन को हमें मूड से दिखाना होगा तो हमारी मेन वर्ब भी आएगी। क्या आएगी? केवल मेन वर्ब आएगी। और वो जो मेन वर्ब होगी वो भी क्या होगी? हमारी बेस फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी हमारी? वो भी बेस फॉर्म होगी। अभी बेस फॉर्म मैंने आपको बता रखा। बेस फॉर्म क्या होती है? वो वर्ब की फॉर्म होती है जो नई नई होती है। नई नई का मतलब जैसे मान लीजिए प्ले। ठीक है, प्ले में मैं SEIS नहीं लगा रहा हूं। ठीक है, अगर मैं SEIS ला रहा हूं तो ये क्या हमारी बेस फॉर्म है। ठीक है, जैसे मैंने बोला गो, ठीक है, इसमें SEIS ला रहा हूं तो ये क्या होगी? हमारी बेस फॉर्म होगी। जैसे मैंने बोला क्या? ईट। ठीक है, तो इसमें मैं SEIS ला रहा हूं तो ये हमारी क्या होगी? बेस फॉर्म होगी। और मैंने बेस फॉर्म कौन सी बताई थी आपने? बी, डू
और हैव, ये भी हमारी क्या होती है, ये भी हमारी बेस फॉर्म होती है। तो बेस फॉर्म आपको समझ में आई, क्या बोला हमने, इंटेंशन कैसे दिखाते हैं हम स्पीकर की, दो तरीके से दिखाते हैं, मूड और मोडाल से। ठीक है, मोडाल हम पढ़ेंगे अपने वर्ब में, मूड अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्यों जरूरी था मूड, जरूरी इसलिए था ना, हमने टेंस पढ़ लिया फिर मूड की क्या जरूरत थी, मूड की जरूरत थी जब हम इंटेंशन दिखा रहे होते हैं स्पीकर की, तो मूड से दिखाते हैं। और कैसे दिखाते हैं, मेन वर्ब से। ठीक है, किससे दिखाते हैं, मेन वर्ब से, और मेन वर्ब क्या होती है हमारी, उसकी बेस फॉर्म होती है। ठीक है, अब हमने बोला मूड को हम तीन प्रकार से दिखा सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट क्या हमारा इंडिकेटिव मूड, तो हम इंडिकेटिव मूड की चर्चा करते हैं पहले। क्या करते हैं हम, पहले इंडिकेटिव मूड की चर्चा करते हैं। जो इंडिकेटिव मूड होता है वो क्या होता है, ये दिखाता है स्पीकर का एक तरह से ओपिनियन, क्या दिखाता है ये, ओपिनियन दिखाता है, फैक्ट दिखाता है, और क्या दिखाता है, हैबिट दिखाता है। बात समझ में आई, ये जो इंडिकेटिव मूड होता है ये ओपिनियन, फैक्ट और हैबिट दिखाता है। वैसे इसको पढ़ने का हमारा यहाँ कोई मतलब नहीं है, हम पढ़ेंगे केवल क्या, सब्जेक्टिव मूड। ठीक है, सब्जंक्टिव मूड है, सब्जेक्टिव नहीं है, सब्जंक्टिव है। ठीक है, इंडिकेटिव मूड को पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अगर आपने टेंस पढ़े हैं ढंग से हमारे, जो हमने टेंस की सीरीज में करा रहे हैं, तो इंडिकेटिव मूड बस वही होते हैं। जैसे मैंने बोला ही प्लेज फुटबॉल, ठीक है, क्या बोला, ही प्लेज फुटबॉल। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हमारा ओपिनियन हो गया या उसका पर्सनल फैक्ट हो गया, तो ये हमारा इंडिकेटिव मूड हो गया। बात समझ में आई नहीं है, ठीक है, मैंने बोला ही ईट्स मैंगो, ही ईट्स मैंगोज, ठीक है, वह आम खाते हैं। ठीक है, आम खाते हैं, बहुत सारे आम खाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ये भी हमारा क्या, ओपिनियन हो गया। तो इंडिकेटिव मूड क्या होता है, एक तरह से जो टेंस होता है वो इंडिकेटिव मूड होता है। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, इंपेरेटिव मूड क्या होता है, अब जरा बताओ इंपेरेटिव मूड क्या होता है, हम बोलते हैं क्या, इंपेरेटिव मूड। ठीक है, हमने इंपेरेटिव सेंटेंस में पढ़े हुए, मुझे बताइए इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। हम बोलते थे इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो डायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट होता है। क्या बोला मैंने, जो डायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट होते हैं, तो हम बोलते हैं क्या, डायरेक्ट ऑर्डर या एडवाइस, लिख लिया, ऑर्डर या रिक्वेस्ट होते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, जो इंपेरेटिव मूड होते हैं, हमने इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा था पहले, है ना, अपने बेसिक ऑफ इंग्लिश लेक्चर में, वहां जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, इंपेरेटिव मूड क्या होते हैं, वो भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं, ये डायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट होते हैं। क्या होते हैं, डायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट होते हैं। अभी डायरेक्ट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्या है, डायरेक्ट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट का मतलब है कि जो डायरेक्ट मतलब आपको सीधा पता चल रहा हो। ठीक है, ये कैसे होते हैं, जैसे मैं बोलूंगा आपको क्लोज द डोर, क्या बोला मैंने, क्लोज द डोर। ठीक है, यहां मैं सेंटेंस लिख देता हूं, क्लोज द डोर। ठीक है, या मैंने बोला ओपन द विंडो, एक और सेंटेंस लिखता हूं मैं, ओपन द विंडो। ठीक है, ये फर्स्ट लिखा, यहां पे लिखा मैंने सेंटेंस सेकंड। ठीक है, थर्ड लिखता हूं, शट योर माउथ, शट योर माउथ। ठीक है, ये मैंने तीन सेंटेंस लिखे, ये हमारे हम बता रहे हैं इंपेरेटिव मूड होते हैं। अब इंपेरेटिव मूड क्या क्या होते हैं वो देख रहे हैं, हमने पहले ये डायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट होते हैं। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब कि आप सीधे समझ जाएंगे। मान लीजिए किसी कमरे में मैं और आप बैठे हुए हैं, ठीक है, और मैं बोलूं कि ओपन द विंडो, क्या बोलूं मैं, ओपन द विंडो, मतलब क्या कहना है कि खिड़की खोलिए। तो अगर मैं ओपन द विंडो बोलूंगा तो मैं आपको बात समझ में आ रही है ना, मैं किसे बोल रहा हूं, मैं आपको ही बोल रहा हूं। ठीक है, अगर एक कमरे में हम दोनों बैठे हैं और मैं बोलूं ओपन द विंडो, तो मतलब मैं आपको बोल रहा हूं, तो वहां पे मैंने आपको यू बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू ओपन द विंडो, सीधा बोलूंगा ओपन द विंडो। बात समझ में आई, ठीक है। तो इंपेरेटिव मूड के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ, क्या होता है कि ये जो होते हैं वर्ब से चालू होते हैं, किससे चालू होते हैं, वर्ब से चालू होते हैं। हमने बोला इंपेरेटिव मूड क्या होते हैं, वर्ब से चालू होते हैं। देखो क्लोज द डोर, ये क्लोज हो गए, द क्या है, क्लोज व्हाट, द डोर। ठीक है, ओपन द विंडो, ठीक है, ये क्या है हमारा वर्ब है। ठीक है, और क्या है, ओपन व्हाट का मीनिंग आ रहा है, क्यों, ये क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, मैंने बोला शट योर माउथ, शट क्या होगा, ये भी हमारी वर्ब होगी। ठीक है, और क्या बंद करना चाह रहा हूं, कह रहा हूं अपना माउथ, मुंह बंद करने को कह रहा हूं, तो ये भी क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। बात समझ में आई नहीं, तो हमारा जो इंपेरेटिव मूड होता है वो कहां से चालू होता है, वर्ब से चालू होता है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, यहां ध्यान देना, वर्ब की बेस फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है, वर्ब की बेस फॉर्म होती है। देखिए यहां भी कौन सी है, वर्ब की बेस फॉर्म है। देखिए एसईएएस लग रहा, अगर ये एसईएएस होता तो ये गलत हो जाता। ठीक है, बात समझ में आई नहीं, तो ना एसईएएस लगेगा ना ईडी लगेगा, बस बेस फॉर्म होगी क्लोज द डोर। जैसे बोला ओपन द विंडो, ओपन द विंडो नहीं होगा, ओपन द विंडो भी नहीं होगा। ठीक है, शट योर माउथ, ये भी शट योर माउथ नहीं होगा, बिल्कुल सही हुआ। अब मुझे बताओ ऐसा होता क्यों है कि ये बेस फॉर्म लग रही होती है, ये बेस फॉर्म लग रही होती है, इसमें एस सी आई एस लगता है, ईडी लगता है, ऐसा होता क्यों है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मैं और आप एक किसी कमरे में खड़े हैं, मान लीजिए मैं और आप किसी कमरे में बैठे हुए हैं और मैं बोलूं क्लोज द डोर, तो मतलब क्या होता है उसका मतलब, उसका मतलब होता है सब्जेक्ट आप हो, क्या हो सब्जेक्ट आप हो, अगर सब्जेक्ट यू हो, क्या हो सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट यू हो तो उसका मतलब क्या होता है कि सब्जेक्ट यू हो। ठीक है, और यू के साथ में हमारा एसीआई नहीं आता। ठीक है, क्या नहीं आता, यू के साथ में एसीआई नहीं आता, ये मैंने पहले ही बता रखा है।
फर्स्ट सेकंड और थर्ड हम सब्जेक्ट बता रहे हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, हमने बोला था फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी होता है। क्या होता है फर्स्ट पर्सन? आई और वी होता है, ठीक है, इसके साथ में एसईएस नहीं आता। सेकंड पर्सन क्या होता है हमारा, सेकंड पर्सन होता है यू होता है, इसके साथ में भी एसईएस नहीं आता। थर्ड पर्सन क्या होता है हमारा, ही सी और इट होता है, मैंने बोला इसके साथ में जो है एसईएस आता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। वैसे तो थर्ड पर्सन हमारा दे भी होता है, उसके साथ में एसईएस नहीं आता, ठीक है। तो हमने बोला यू के साथ में हमारा एसईएस नहीं आता है, ठीक है, इसलिए हमने एसईएस लाया। लेकिन यू क्या है यहाँ पे, यू अंडरस्टूड है, ठीक है, क्या है यू यहाँ पे अंडरस्टूड है, मतलब यू लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझ में आ जाएगा यू को ही बोला जा रहा है, बात समझ में आई। तो हम इंपेरेटिव मूड से क्या सीखा, इंपेरेटिव मूड एक तो हमारी बेस फॉर्म से चालू होता है, क्या चालू होता है बेस फॉर्म से, वर्क भी बेस फॉर्म से चालू होता है। दूसरा क्या देखा, ये डायरेक्ट, क्या बोला डायरेक्ट वर्ड याद रखना, डायरेक्ट ऑर्डर एडवाइज या रिक्वेस्ट होते हैं। तीसरा क्या होता है, जो ये होता है इसमें यू जो होता है वो अंडरस्टूड होता है, बात समझ में आई। और ये क्या है, डायरेक्ट ऑर्डर एडवाइज या रिक्वेस्ट है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, इंडिकेटिव और इंपेरेटिव मूड पढ़ लिया, और ये दोनों हमने पहले से भी पढ़े हुए हैं अपने जो टेंस के और जो हमारा बेसिक ऑफ इंग्लिश थी उसमें, ठीक है, ये दोनों पढ़ रखे हैं। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्टिव मूड के बारे में, किसके, सब्जंक्टिव मूड के बारे में। और सब्जंक्टिव मूड में भी हम पर्टिकुलर एक लेक्चर में सब्जंक्टिव मूड के प्रेजेंट को खत्म करेंगे, दूसरे में पास्ट को, ठीक है। अब हम सब्जंक्टिव मूड के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले सब्जंक्टिव मूड से पहले इंपेरेटिव जरूर देख लेना। क्या बोला मैंने, डायरेक्ट ऑर्डर एडवाइज रिक्वेस्ट, ये डायरेक्ट वर्ड देखना, ठीक है, क्या ये डायरेक्ट वर्ड को देखना, इसमें डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब मैं पहले इसे मिटा देता हूं, फिर मैं पढ़ाता हूं सब्जंक्टिव मूड के बारे में, ठीक है। देखिए एक और चीज मैं लिखना चाहता हूं, मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम गो देयर, दूसरा लिखा राम गो देयर, तो मुझे बताओ कौन सा सेंटेंस सही है। नीचे क्या लिखा हमने, राम गो देयर, ऊपर लिखा राम गो देयर, यहाँ राम गोज ने लिखा, राम गो लिखा है और नीचे भी गोज ने लिखा है, तो कौन सा सेंटेंस सही है। हमने बोला ये नीचे वाला सेंटेंस सही है, ऊपर वाला गलत है, इसे सही करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, गोज लिखना पड़ेगा। अब दोनों का मतलब क्या है ये बताओ, ठीक है। यहाँ बोला हमने राम, राम क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, गोज क्या होगा ये हो गया मेन वर्ब, राम गोज वेयर ये क्या हो गया हमारा एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो क्या बोला है, राम गोज देयर, राम वहां जाता है, बात समझ में आई, राम वहां जाता है, पहले वाले का सेंटेंस क्या मतलब होगा। नीचे वाले का मतलब क्या हुआ है, देखिए इस कोमा का मतलब अगर हम इसे ना भी बोले ना तो भी चलेगा, इसका मतलब क्या है, गो देयर, गो देयर का मतलब वहां जाओ, गो देयर का मतलब क्या होगा, वहां जाओ। एक तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया डायरेक्ट ऑर्डर, क्या हो गया ये हमारा डायरेक्ट ऑर्डर हो गया, ठीक है। और डायरेक्ट ऑर्डर हमारा किसमें आता है, हमने बोला था डायरेक्ट ऑर्डर हमारा किसमें आता है, इंपेरेटिव मूड में आता है, कौन से में आता है, इंपेरेटिव मूड में आता है। तो इस राम का मतलब क्या है, ये राम बस एक नाम है, ठीक है, क्या है, राम एक नाम है। जैसे मैं यहां पर कुछ भी नहीं बोलूंगा तो गो देयर भी बोल सकता हूं, लेकिन मैं अगर किसी पर्टिकुलर आदमी को बोल रहा हूं, आवाज देकर बोल रहा हूं राम गो देयर, बात समझ में आई। तो यहां पर क्या है, ये वोकेटिव केस है, क्या है ये हमारे यहाँ पे वोकेटिव केस है। और वोकेटिव केस का मतलब क्या होता है, वोकेटिव केस का ये मतलब होता है कि उसका नाम बुलाया जा रहा है, ठीक है, पहले उसे बुलाया जा रहा है राम गो देयर, मतलब राम को बोल रहा है, राम सुनो मेरी बात, और फिर बोल रहा है क्या गो देयर, राम का पहले उसने नाम चिल्लाया और फिर बोला गो देयर वहां जाओ, ठीक है। तो दोनों में अंतर है, ऊपर बोला राम गोज देयर, राम वहां जाता है, राम अपनी इच्छा से जाता है, उसकी हैबिट है या उसका फैक्ट है, राम गोज देयर, राम वहां जाता है। नीचे वाले में क्या, राम उसको पहले आवाज दी फिर क्या बोला गो देयर वहां जाओ, बात समझ में आई। तो ये डायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस या रिक्वेस्ट वाला हो गया, ये क्या है इंपेरेटिव, देखिए इसलिए इसके साथ में एसईएस नहीं आ रहा, सिर्फ गो आ रहा है, बात समझ, क्योंकि ये वर्ब की बेस फॉर्म से चालू होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम क्या पढ़ रहे थे, उसके बारे में जो हम तीसरा पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे सब्जंक्टिव, क्या पढ़ रहे थे हम, सब्जंक्टिव मूड, ठीक है। सब्जंक्टिव मूड जो होते हैं अब वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला होता है हमारा प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड, क्या पढ़ा हमने, पहला होता है हमारा प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड, ठीक है, क्या पढ़ते हैं हम प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। दूसरा होता है हमारा पास्ट सब्जंक्टिव मूड, पास्ट सब्जंक्टिव मूड, ठीक है। अब यही हमारे सबसे इंपॉर्टेंट, जो अभी तक हमने पढ़ा था वो कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने वो पहले टेंस में पढ़ लिया है, ये हमारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमने अभी तक नहीं पढ़े, वो हमने पहले खूब पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो सब्जंक्टिव मूड का मतलब क्या होता है, ये दो प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड, पास्ट सब्जंक्टिव मूड। अभी जो प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड होता है ये होता क्या है, ठीक है, यहां से इसकी डेफिनेशन याद रखना, क्या कि एक तो ये जो होता है रिक्वायरमेंट होता है डायरेक्ट, और नेसेसिटी होती है, क्या होती है, नेसेसिटी ठीक है, नेसेसिटी ठीक है, और क्या होता है ये रिक्रूटमेंट होता है, रिक्वायरमेंट होता है ठीक है, और क्या होता है ये हमारा ठीक है, और क्या होता है ये हमारा इनडायरेक्ट, क्या बोला हमने इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस या रिक्वेस्ट होता है,
ठीक है, हमने क्या बोला, ये क्या है हमारा जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड होता है, एक तो नेसेसिटी होती है, क्या होती है नेसेसिटी, ठीक है, नेसेसिटी का मतलब क्या होता है जरूरत, ठीक है, क्या होती है जरूरत, रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है रिक्वायरमेंट है मतलब ये भी जरूरत है, क्या है ये हमारी जरूरत है, दोनों ही चीज जो होती है जरूरत में आती है, ठीक है, मतलब जो जरूरी है क्या है आपको बिल्कुल जरूरी है उसमें ये आती है, और क्या होता है, और ये वर्ड अलग से है पूरा, ठीक है, क्या है इनडायरेक्ट, देखिए जो इंपेरेटिव में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ इनडायरेक्ट नहीं था वहां डायरेक्ट था, क्या था डायरेक्ट था मतलब कि डायरेक्ट समझ जाएगा जो स्पीकर होगा वो खुद समझ जाएगा, वहां हमें स्पीकर को कोई भी सब्जेक्ट लाने की जरूरत नहीं थी, वहां हमारा डायरेक्ट क्या आता था बेस फॉर्म आता था, लेकिन यहां पे हमें क्या लाना पड़ेगा स्पीकर लगाना पड़ेगा, जो लिसनर है उसे लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो लिसनर को हमें लगाना पड़ेगा, यू ही सी इट दे जो भी होंगे उनको लिसनर को लगाना पड़ेगा, तो क्या आएगा हमने बोला इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस या रिक्वेस्ट, बिल्कुल ये जो है हमारे बिल्कुल कैसे है हमारे इंपेरेटिव मूड की तरह ही है, लेकिन अंतर क्या है बस वहां पर डायरेक्ट था, वहां पर क्या था डायरेक्ट था और यहां पर क्या है इनडायरेक्ट है, और दोनों में अंतर क्या हो गया, ठीक, डायरेक्ट में क्या होगा यू जो होगा वो हमारा बिना बताए समझ में आ जाएगा वहां पे, लेकिन इनडायरेक्ट में हमें वहां लगाना पड़ेगा, जहां भी ऐसी चीज आएगी वहां पे क्या लाएंगे हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड लाएंगे, ठीक है। अब जो पास्ट सब्जेक्टिव मोड होते हैं ये क्या होते हैं इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बता देता हूं क्या होता है ये हमारी एक तो होती है इम्प्रोबेबिलिटी, क्या होती है इम्प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्या होती है एक तो ये इम्प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, इम्प्रोबेबिलिटी जो पास सब्जेंटिव, अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इसके सेकंड क्या होता है हमारा पास सब्जेंटिव मूड होता है, पास सब्जेंटिव मूड क्या होता है इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या होता है, ये होता है हमारा इम्प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इम्प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है, और क्या होता है ये हमारा, और होता है ये हमारा प्रेजेंट की इमेजिनेशन होती है, एक तरह से इमेजिनेशन लिख देते हैं हम इसे, ठीक है, ये हमारा क्या होता है पास्ट सब्जेक्टिव मूड, एक तो इम्प्रोबेबिलिटी होता है, एक क्या होता है हमारा इमेजिन होता है, प्रेजेंट और पास्ट दोनों की इमेजिन होता है, लेकिन इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम उठा रहे हैं कौन सा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड को, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा छोटा ही जल्दी खत्म हो जाएगा, पास्ट सब्जेक्टिव मूड थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, तो पहले हम इसे मिटा देते हैं या फिर इसे पूरे को रफ कर देते हैं, एक बार आप ये समझ लीजिए, फिर से बोल रहा हूँ सब्जेक्टिव मूड जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, दूसरे होते हैं पास्ट सब्जेक्टिव मूड, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड जो होते हैं वो एक तो होता है नेसेसरी रिक्वायरमेंट, जहां भी ऐसे वर्ड आएंगे मतलब जरूरत, कुल मिला के क्या है जरूरत, जहां भी आ रहा होगा वहां पर प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, ठीक है, और क्या फिर क्या आ रहा है इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइज या रिक्वेस्ट, डायरेक्ट ने बोला क्या बोला इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का मतलब पहले सब्जेक्ट आ रहा होगा लेकिन जरूरत क्या होगी ऑर्डर एडवाइज या रिक्वेस्ट की होगी, ठीक है, क्या होगा इनडायरेक्ट एडवाइज ऑर्डर या रिक्वेस्ट की, ठीक है, तो हम क्या लेंगे प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड लेंगे, ठीक है, एक बार आप इसे देख लीजिए, मैं इसे रफ करता हूं फिर।